नमस्कार, मैं आशुतोष पाठक और आप देख रहे हैं पर्सन ऑफ द वीक। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। इस बार हम बात करेंगे नोएडा के बॉडी बिल्डर विपिन यादव के बारे में। 3 बार मिस्टर इंडिया और 5 बार मिस्टर यूपी रहे विपिन ने रूस में भी मचाया धमाल। रूस में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डर्स द्वारा आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप में विपिन यादव ने नोएडा समेत पूरे देश का नाम रोशन किया है। 65 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड हासिल करने वाले विपिन यादव नोएडा के सरफाबाद गांव के निवासी हैं। रूस से लौटकर वापस आने पर विपिन का शहर भर में जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। बचपन से रेसलिंग करते आ रहे विपिन करीब 13 वर्ष पहले ही बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हैं। वह बताते हैं कि घर में बड़ों के रेसलिंग में होने के चलते उन्हें भी इस स्पोर्ट में आना पड़ा, लेकिन उनकी रुचि शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग में थी। 3 बार मिस्टर इंडिया और 5 बार मिस्टर यूपी रहे विपिन यादव रूस में आयोजित बॉडी अंतर्राष्ट्रीय बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए 1 साल से तैयारी कर रहे थे। जीत का श्रेय अपने गुरु वसीम खान को देते हुए विपिन बताते हैं कि उन्होंने अपने गुरु द्वारा बताई गई तकनीक और रास्ते पर चलकर ही ये जीत हासिल की है। इसके अलावा वह अमेच्योर ओलंपिया में भी सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। वहीं रूस में हुई प्रो लीग प्रतियोगिता में उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों से आए 300 बॉडी बिल्डरों को पीछे करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। तबीयत खराब थी, फिर भी नहीं मानी हार। विपिन यादव बताते हैं कि वह बॉडी बिल्डिंग में सर्वोच्च प्रतियोगिता ओलंपिया की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई जिसके चलते वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सके। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और तबीयत ठीक होते ही उन्होंने फिर से मेहनत शुरू की और रूस में हुई प्रो लीग में हिस्सा लिया, जहां उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। इसमें उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है। पहले मैं रेसलिंग करता था, तो जब मैं रेसलिंग करके 2 साल में घर आया अखाड़े से वापस, तो करने को कुछ था नहीं एक्टिविटी, तो मैंने ऐसे जिम ज्वाइन कर ली सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए। वहाँ देख के लोगों को पोस्टर्स देख के लगा कि यार ऐसी बॉडी मैं बनाऊँगा, तो उस टाइम पे फिर मैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ आ गया। आपके घर वाले सभी रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, तो आपके घर वालों का कितना सपोर्ट रहा है आपको? घर वालों का सपोर्ट स्टार्टिंग में तो नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं रेसलर बनूँ, पर धीरे धीरे जैसे कंपटीशन खेले, कुछ मेडल्स घर में आए, तो घर वालों को अच्छा लगने लगा, फिर घर वाले सपोर्ट करते हैं। रूस में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपने कितना समय की तैयारियां की हैं और किस तरह की तैयारियां की हैं आपने? रशिया में कंपटीशन के लिए मेरी एक्चुअली सही पूछो तो कुछ तैयारी नहीं थी उसके लिए। मैं अमेच्योर ओलंपिया ही कर रहा था। अमेच्योर ओलंपिया खेलने गए हम लोग, वहाँ पर मेरी तबीयत खराब हो गई तो वो नहीं खेल पाए। उसके बाद मुझे था कि मुझे मेडल लाना है इंडिया के लिए। उसके बाद फिर हमारे पास टाइम था सिर्फ 10 दिन का, तो हमने वापस से वीज़ा अप्लाई करके हम रशिया खेलने चले। जैसे आपने बॉडी बना रखी है, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? बॉडी बनाने के लिए मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, घर से सब सपोर्टेड है, तो ऐसे प्रॉब्लम मुझे कुछ भी प्रॉब्लम। जो आपकी रूस में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी, उसमें डाइट प्लान आपने क्या रखा था और क्या क्या खाने पीने की तैयारियां की थी आपने? डाइट प्लान हमारा एक्चुअली जो मैक्सिमम कंपटीशन टाइम पे होता है वो बॉइल्ड ही होता है। जैसे हम फिश खाते हैं, एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, वेजीज खाते हैं, ये सब बॉइल करके ही खाते हैं। और अवॉइड करने वाली बात में आता है, तो जैसे मैं मीठे का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और दूध की बनी हुई सारी चीज़ें होती है, बचपन से दूध बहुत पिए, उनको देख के थोड़ा क्रेविंग होती है कि खा लूँ, पर वो छोड़ना पड़ता है। बिल्डिंग का शौक रखने वाले युवाओं को क्या टिप देना चाहेंगे आप? टिप नहीं, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा भाइयों से कि स्टेरॉइड ना लें इतना जितना अभी बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है, कुछ भी गंदा गंदा ले लेते हैं। तो पहले तो भाई अपने लिए कोई अच्छा कोच ढूंढो जिसको नॉलेज है। उसके बाद हाथ जोड़ रहा हूँ कि कम से कम स्टेरॉइड लो, अच्छी डाइट फॉलो करो, अच्छी ट्रेनिंग करो, उससे बॉडी बन जाओ।